जो सेशन है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है कि हमारा जो ह्यूमन मतलब शरीर, एनाटॉमी मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या मौजूद है, और फिजियोलॉजी मतलब जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो चीजें मौजूद है उनका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना होता है, कम से कम 30 से 40 ट्रिलियन बहुत सारे सेल्स होते हैं इससे बना होता है, और रोज ये नए सेल, ये सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं, रोज होता है ये। हर रोज हमारे पुराने सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स जागरूक होते हैं। इसमें क्या होता है, और ये सब मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, हमारे बॉडी में पतले पतले टिश्यूज भी होते हैं और ये सब मिलकर हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। अब ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, हमारा जो हमारे शरीर का आकार है, हमारे शरीर की जो शेप है, हमारे शरीर का जो ढांचा है जिसमें हमारे पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, हमारा नेक है, ये सब हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में आता है, ठीक है। अब ये, और ये कैसे होता है, एक स्केलेटन शेप में होता है जिसको हम हड्डियों का ढांचा भी बोलते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसमें मसल्स भी आती हैं जो, और हमारे टिश्यूज भी आते हैं, ऑर्गन्स भी, ऑर्गन्स मतलब हमारा लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे इन्हीं हड्डियों के ढांचे के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो हमको चलने में, कूदने में, क्लाइंब करने में, सीढ़ियां चढ़ने में, भागने में और कूदने में मदद करती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी 206 हड्डी रह जाती है, जैसे हम लोगों के शरीर में 206 हड्डियां हैं, मौजूद हैं। तो ये जो नीचे मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें ये पीछे जो है ये रीढ़ की हड्डी है जो हमारे, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डियां, और इसमें बहुत सारी छोटी 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 हड्डियां हैं जिसको हम वर्टेब्रा बोलते हैं। तो ये हमारे और इसी के बीच में एक ये नर्व है, मतलब जिसको हम नस है, जो हमारे सीधा ब्रेन मस्तक में कनेक्ट होती है, और यही जो नर्व है, ये जो नस है, ये बहुत मेन नस होती है जो हमारे शरीर मस्तक में जाकर सब अलार्म करती है कि हम क्या काम करें और क्या ना करें, जैसे गर्म ठंडा कुछ शॉक लगता है तो यही हमारे, ये नस हमारे मस्तक में जाकर हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब जो स्केलेटन होता है, हड्डी होती है, वो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए और लिवर हो गया, ये तीन जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे हड्डियों के ढांचे से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी बोन्स जो होते हैं उनको हम लिगामेंट बोलते हैं, और वो फाइब्रस टिश्यू का भी काम करती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं। जहां दो बोन्स मिलती हैं, जहां दो हड्डियां मिलती हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं, जैसे कि आपकी कोहनी हो गई, नी, घुटना, और आपके हिप, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और कोहनी, शोल्डर जॉइंट, और ये आपका एल्बो, ये चार जॉइंट, चार या पांच जॉइंट्स होते हैं हमारी शरीर में मौजूद। अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये देखिए दो लंग्स हैं, ये जो लाल लाल पोर्शन है ये हमारी लंग्स होती हैं, और इसके बीच में हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। यहाँ पर स्टमक है, बड़ी आंत्रियां, छोटी आंत्रियां यहाँ पर मौजूद होती हैं, किडनी होती है उसके ऊपर, लिवर एक होता है, हमारे शरीर में दो किडनियां हैं, एक लिवर है,
दो लंग्स हैं, बड़ी और छोटी आंत्रियां हैं, ये हमारा मस्तक हो गया। हम मुंह से खाना खाते हैं तो ये ईसोफेगस एक पाइप होती है, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, इस पाइप से खाना अंदर जाता है, पेट में जाता है, फिर छोटी आंत्रियों बड़ी आंत्रियों में जाकर हम सुबह फ्रेश होते हैं। ठीक, ये सब हमारे शरीर के अंदर इतना सब मौजूद होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? एनाटॉमी तो आपने देखा कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर में इतनी बोन्स होती हैं, ये हमारे शरीर का जो ढांचा होता है उसको हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है कि ये जो हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया इतने सारे, ये हमारे शरीर में क्या फंक्शन करते हैं, हमारे को इससे क्या क्या, हम इस खाते हैं तो क्या चीज फंक्शन करता है, हम अगर सांस लेते हैं तो क्या चीज फंक्शन करता है, इसके बारे में पढ़ें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आप खाना खा रहे हैं, कहीं तो पचेगा जाकर, तो वो कहाँ कहाँ पचता है और उसमें क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। ये सिस्टम जो है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को साथ लेकर काम करता है। हमारा मुंह, हम सबसे पहले खाना किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, मुंह से हम दांतों से चबाते हैं, दांतों से चबाकर हम ईसोफेगस फूड पाइप के थ्रू हम इसको अंदर डालते हैं, वो जाता है स्टमक में जाता है, उसके बाद वो छोटी आंत्रियों में जाता है, फिर बड़ी आंत्रियों में जाता है, और फिर ये एक डायग्राम है, मुंह से हम खाना खाया, खाने को चबाया, फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में गया, पेट में गया, वहां उसने डाइजेशन किया, छोटी आंत्रियों में गया, वहां फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ, मतलब जो हमारे शरीर को चाहिए वो एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, पानी वहां पर एब्जॉर्ब हुआ, और जो बचा हुआ खाना है जो हमारे शरीर को नहीं जरूरत होती है वो सुबह हम उसको फ्लश आउट कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स इस खाने की प्रक्रिया को पचाने के लिए, और बाकी जो हमारे शरीर में जिस खाने की जरूरत नहीं होती है उसको बाहर निकालने के लिए, कितने चीजों, कितना ऑर्गन्स हमारे, कितने शरीर के जो अंग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले मुंह इन्वॉल्व होता है, उसके बाद फूड पाइप इन्वॉल्व होती है, फिर स्टमक इन्वॉल्व होता है, पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस इन्वॉल्व होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, वहां से हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं। तो इतना सारा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खाने को पचाने के लिए हमारा ये सिस्टम काम करता है। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आपने पीछे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन रेट, तो जितने हम सांसें लेते हैं, अब सांस लेने में कौन सा अंग इन्वॉल्व हुआ? वो हुआ लंग्स इन्वॉल्व हुए। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स, छाती, इस जगह छाती के पीछे हमारे लंग्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे चेस्ट रेस्ट करता है। तो इसमें क्या और अंग इन्वॉल्व होता है? लंग इन्वॉल्व होते हैं। ये जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं? अंदर की तरफ हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर की तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये दो गैस होती हैं, ये दो दो नाम की गैस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ताजी हवा लेते हैं और गंदी हवा छोड़ते हैं हम बाहर। अब ये क्या, ये कौन करता है? लंग्स इसमें करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमको ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करते हैं। यहां से हम नाक से सांस लेंगे,
वो लंग्स में जाएंगी, लंग्स को फुलाकर हमारी शरीर में सांस हम सांस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें कौन कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है? जो जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था, ये हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है। ये हम जब हार्ट हमारा धड़कता है और हमारा ब्लड जो है वो सारे आर्टरीज या वेन्स में जाता है, नसों में जाता है, इसमें ये जो इन्वॉल्व होती है, इसमें हार्ट और हमारी आर्टरीज वेसल्स ये सब इन्वॉल्व होती हैं। ये जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सेल्स को देता है। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। जब हमारे शरीर में ब्लड जब जाता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड जब हमारी शरीर में फेंकता है तो खून में क्या क्या चीजें होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और इन तीनों चीजों में क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है क्योंकि हमने सांस ली, हमारा दिल धड़का, उसने सांस ने ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करी तो हमारे शरीर में, पूरी शरीर में ऑक्सीजन गई। खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो ब्लड में मिक्स होता है तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स भी गया। तो ये सब चीजें हमें कौन हेल्प करता है? हार्ट हेल्प करता है हमारे शरीर में ये सब चीजों को पहुंचाने के लिए। हार्ट हेल्प करता है, जितना हार्ट हमारा अच्छे से धड़केगा उतनी अच्छे से हमारे शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन होगा। अभी मैंने आपसे पीछे बात किया था स्केलेटन, हड्डियों के ढांचों के बारे में। स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा स्केलेटन है। अब आप ये स्केलेटन डायग्राम देखकर ही समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी कितनी हड्डियां हैं। हम देखें, ये हमारा जो है ये लंग्स, हमारे इसको ये लंग्स प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कम से कम 12 हड्डियां होती हैं, दो 12 हड्डियां मौजूद होती हैं। फिर ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये हिप्स हो गए, ये हमारा हिप जॉइंट हो गया, जो हमारी टांग हमारे जो अपर लेग होता है वो हिप जॉइंट के साथ अटैच होती है। ये हमारा नी, घुटने जिसको हम बोलते हैं। फिर ये हमारे नीचे दो बोन्स होती हैं पैरों में, फिर वो हमारे नीचे एंकल जॉइंट कहलाता है, फिर ये हमारे पैर होते हैं। तो ये सब जॉइंट्स हैं। ये शोल्डर जॉइंट हो गया, कंधों का जॉइंट, जहां पर हमारे अपर आर्म की बोन जॉइन करती है। ये हमारे स्कल हो गया, हमारा मस्तक हो गया। हमारी ये जो नाक की हड्डी है इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। हमारी कानों में भी हड्डी होती है जो बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये सब हमारी स्केलेटन है, हम हड्डियों के ढांचा जिसको बोलते हैं। अब ये जो बोन्स होती हैं ये हमारे शरीर में एक शेप देती है, फ्रेम देती है और हमारे जो अंग्स को सपोर्ट करती है। अंग्स क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, ये हमारे शरीर में सपोर्ट करती है। अब ये क्या होता है? बोनी कंपार्टमेंट, ये जो हड्डियों का ढांचा होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारे जॉइंट मूव कर सकते हैं, हम चलते हैं, इन्हीं सब की मदद से हम ये सब काम करते हैं। उठना, बैठना, चलना, हमारी बोन्स ही हमें हेल्प करती हैं क्योंकि इन्हीं की बोन्स के ऊपर हमारी मसल्स भी अटैच होती हैं। तो यही सब चीजें हमें चलने में, बैठने में, कूदने में, काम करने में मदद करती हैं। अब हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। मसल्स जो है हड्डियों के साथ मिलकर हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है। बहुत सारी स्मूथ मसल्स भी होती हैं और मसल्स को हम हिंदी में मांसपेशियां कहते हैं। ठीक, मांसपेशियां कहते हैं।
तीन तरीके की मांसपेशियां होती हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल मतलब हमारे हड्डियों के ढांचे के साथ जो अटैच होती हैं, कार्डियक जो हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं, और स्मूथ जो हमको रिलैक्स करने में मौजूद करती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, वो हमारे हड्डियों के ढांचों के साथ मिलकर हमें उठने, बैठने, चलने, फिरने में, झुकने में हेल्प करती हैं। कार्डियक मसल्स जो कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट के साथ हमारे लगकर हार्ट को बीट करने में, खून को वेन नसों में पहुंचाने में हेल्प करती हैं। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं, वो जब हमारा शरीर रिलैक्स होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, तब हमको हमारे शरीर को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। तो ये तीन तरीके की हमारी बस मसल्स हो गई, मांसपेशियां हो गई। फिर हमारा नर्वस सिस्टम आता है, मतलब कि नसें। नसें क्या करती हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे शरीर का, और ये पूरी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पे हेल्प करता है। ये जो मैंने आपको सबसे पहला डायग्राम दिखाया था, वो ये जो नर्व है, हमारे नस है जो हमारे मस्तिष्क में जाकर मिलती है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्व जो ये जो नर्व नर्व है वो हमारे मस्तिष्क में है, कनेक्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या काम करें। अगर किसी चीज को हमने छुआ है तो वो गर्म है या ठंडा है, वो सीधा हमारे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में, कैसे आपको पता चलेगा किसी चीज को आपने छुआ और आपको पता चला कि ये गर्म है? तो यही जो नस है जो आपके सीधा ब्रेन में जाकर कनेक्ट करती है, और इससे आपको पता चलता है कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ है। जिसको हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, जिसमें हम इमरजेंसी कोई भी आपके जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी गर्म चीज को छुओ या किसी ठंडी चीज को छुओ, या चोट लगी आपको, या कोई भी आपको सडन रिएक्शन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नर्व है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलकर सीधा मस्तिष्क में जाकर आपको बताती है। और एक नर्व होती है जो आपकी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करती है, जब आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो। यही आज का टॉपिक था।